हम हाजिर हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम रसभरी के फायदे के बारे में बात करेंगे। रसभरी को अंग्रेजी में केप गूसबेरी और गोल्डन बेरी से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फिजिलिस पेरुवेलियाना है। रसभरी का पौधा वर्षा ऋतु में सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। यह खेत खलिहान खंडिहरों और खाली पड़ी जमीन में उत्पन्न होता है। यह खेतों में खपतवार के रूप में पाया जाता है। यह पौधा 1 से 3 फुट तक ऊंचा होता है और बहुत फैलता है। इसे हल्के पीले रंग के छोटे छोटे घंटाकार के पुष्प लगते हैं। पुष्प के बाद इसे फलियां लगती है। इसके फल के ऊपर एक पतला सा आवरण होता है। अंदर मटर के आकार वाला गोल बीज होता है जो कच्ची अवस्था में हरे रंग का और पक जाने के बाद पीले और नारंगी रंग का हो जाता है। रसभरी मकोई की ही एक प्रजाति है। कहीं कहीं इसे मकोई भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में चिरपोटी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पटपोटनी कहा जाता है। इसके फल बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टे मीठे होते हैं। रसभरी का पौधा औषधीय गुणों का भंडार है। औषध कार्य में इसके सारे पंचांग का उपयोग किया जाता है। रसभरी की पत्तियों में कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, विटामिन ए और विटामिन सी भारी मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें केटोरिन नाम का तत्व भी मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दोस्तों, रसभरी यकृत के लिए अमृत के समान है। इसके फल और पत्तियों का रोजाना काढ़ा बनाकर पीने से यकृत मजबूत बनता है। रसभरी का कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से लीवर की सूजन उतर जाती है। इसके अतिरिक्त ये पेट के रोगों की रामबाण औषधि है। इसका काढ़ा बनाकर नित्य सेवन करने से भूख बहुत बढ़ती है, पाचन शक्ति मजबूत बनती है और पेट के कई रोग नष्ट होते हैं। रसभरी का नित्य सेवन करने से बवासीर में भी बहुत फायदा होता है। दोस्तों, ये संधिवात में भी बहुत फायदेमंद है। इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर नित्य पीने से और इसके पत्तियों का लेप बनाकर संधिवात के स्थान पर लगाने से संधिवात में बहुत फायदा होता है। रसभरी के पत्तियों का लेप बनाकर रोजाना सफेद दाग पर लगाते रहने से सफेद दाग नष्ट होते हैं। इसके पक्के फलों को साव में सुखाकर पाउडर बनाएं। इस पाउडर का रोजाना 7 से 10 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से खांसी, हिचकी और श्वास रोग में बहुत फायदा होता है। दोस्तों, रसभरी के पंचांग का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से शरीर के किसी भी प्रकार की भीतरी सूजन में बहुत फायदा होता है। रसभरी में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका रोजाना सेवन करते रहने से आंखों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। दोस्तों, मधुमेह के रोगियों के लिए रसभरी किसी वरदान से कम नहीं है। इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर रोजाना पीने से मधुमेह नियंत्रण में रहता है। इसका रोजाना सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है। यह पीलिया रोग में भी काफी फायदेमंद मानी गई है। पीलिया होने पर रसभरी के ताजे पत्तियों को पीसकर इसका रस निकालें और 2 चम्मच की मात्रा में रोजाना खाली पेट सेवन करने से पीलिया रोग में बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।